आगर मालवा के ग्राम कुंडला खेड़ा में 100 से भी ज्यादा लोग गंदा पानी पीकर बीमार हो गए हैं। इस मामले में पीएचई विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बीमार लोगों में अधिकांश बच्चे हैं। 1 सैकड़ा से ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी मिलते जिला मुख्यालय से स्वास्थ्य विभाग का एक दल गाँव पहुँचा और लोगों का चेकअप किया। बीमारों में से अधिकांश को सर्दी, खांसी, खुजली और बुखार की शिकायत मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव के जिन 2 कुओं से गांव के लोग पानी पीते हैं, उसका पानी गंदा और दूषित है। बारिश के चलते कुओं में आसपास का गंदा पानी आकर मिल रहा है। वहीं इस मामले में पीएचई के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि गाँव के 4 नलकूप बंद पड़े हैं, जिसके कारण गाँव वालों को मजबूरी में कुओं का गंदा पानी पीना पड़ रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। और कल हमने शाम 6:30 से लगातार रात्रि 11:30-12 बजे तक करीब 130 केस देख चुके थे। और उसके बाद में हमने मलेरिया की स्लाइड भी बनाई और ORS भी पैकेट भी दिए, जिंक की टेबलेट भी दी और पैरासीटामॉल टेबलेट भी दी, मेटोनिडाजोल टेबलेट भी दी। उसके बाद आज कंडीशन बिल्कुल स्थिर है और नियंत्रण में है। गाँव में दूषित जल पीने से करीब लगभग 100 लोग बीमार हुए हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम और कुछ दस्तकृमी मरीज थे। तो कल शाम को भी टीम के द्वारा यहाँ मेडिकेशन करवा दिया गया सभी का। और आज सुबह भी हम लोग पूरी टीम के द्वारा आए, CMHO भी आए थे, अभी निकल गए हमारे साथ। बाकी हम लोगों ने यहाँ जो पानी के स्रोत हैं पीने के पानी के, वो भी देखे तो उनमें भी गंदगी जा रही है। हैंडपम्प खराब पड़े हैं और पीने का जो मेन कुआ है इनका, उसके आसपास इनका गांव का जो गंदा पानी है पूरा ड्रेनेज उसी कुएं के पास जा रहा है और वो गंदा पानी उसी कुएं में मिल रहा है और ये लोग सभी उसी कुएं का पानी पीते हैं, जिस कारण इनको पानी पीने से ये बीमारी हुई है।